सब वे हावड़ा, मैं पहले था अशोक नगोड़ा भी हावड़ा है, सब देखो नाम रहा है। और पूजा के समय है ना, उठेगा भाई, देखो जैसे उठेगा कितना लोग। पापा फोन कर रहा था मेरे मोबाइल में, भाई क्या बोलूँ, जो बैलेंस ही नहीं है भाई, कैसे उठ रहा है, ओ माय गॉड, बहुत ही भयानक। तो भाई भी झगड़ा लग गया लग रहा है ट्रेन में, और एक सीट तो भाग गया था। पूर्णा जोली, ओ माय गॉड, नामने के पहले से कराऊ राहुल, देखो बाहर लास्ट स्टेशन, तो भी इतना क्राउड भाई, उठने का मतलब क्या ही बोलो, ऑफिस टाइम है ना। तो आप सब जस्ट बिलीव नहीं कर पाओगे, मैं उस तरफ जो ट्रेन था वो सोचा था कि शेल्द जाएगा, तो वहाँ पे जाके रुका 2 मिनट, अभी उसके अंदर ये वाला छोड़ दिया, मैं सोच रहा था कि ये वाला नहीं जाएगा। उसके बाद एक जो बेचता है ना सब, उन्होंने कहा कि ये वाला पहले जा रहा है, तुम दौड़ के उठो, मतलब ये छाट दिया ऑलरेडी। और मैं जब दौड़ते दौड़ते उठ रहा था, मतलब दौड़ के जब ही आया, और मैं तो जानता नहीं था कैसे उठते हैं, दौड़ते दौड़ते उठते हैं, मैं फट कर उठ गया और ऐसे धक्का खाया ऐसे करके, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ। पर चैलेंज ट्रेन में उठना आई थिंक ठीक नहीं है, तो भी क्या करूँ, टाइम नहीं था। और ये वाला ट्रेन अगर नहीं धर पाता तो मेरा 12 बजे का ट्यूशन मैं नहीं धर पाऊँगा। अभी 47 बज रहा है, राइट 47 में चढ़ा, तो अब से होपफुली मैं 10 या 20 मिनट्स पहले आऊँगा, अदरवाइज मैं ऐसे ट्रेन कभी नहीं धरूँगा। मेरे हाथ में भाई लगा भी है, तो दिस इज़ सो मच डेंजरस। ट्रेन उस समय थोड़ा सा कम स्लो था, मतलब हल्का था, पर देखो कोई भी नहीं है, खाली है पूरा ट्रेन। तो गेट के उधर पे मैं बोल रहा हूँ, गेट के उधर पे एक दादा खड़ा था, वो दादा ने मुझको धर लिया, अदरवाइज मैं पर जाता, पर नहीं, मतलब थोड़ा सा डेंजरस हो जाता। तो अभी बारिश हो रहा है बाहर बहुत ही जोर से, मतलब आज लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं दौड़ के ट्रेन में उठा, बट ट्रेन बहुत ज़्यादा स्लो था, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या ही बोलूँ, इतना स्लो हटके भी उठा जा पाता। पर एक जन मुझे बोल रहा था कि दौड़ के उठो, दौड़ के उठो, बाहर में जस्ट व्यू देखो, माय गॉश, इस तरफ में भी है और पूरा ट्रेन ही खाली है। पूरा ट्रेन में तो भाई कोई भी नहीं है, देखो पूरा खाली है, सिर्फ जो जो सीट है उधर उधर बैठा है सब, मतलब जो जानला का सीट है। तो हाँ चारों ओर इतना पानी हो गया, लग रहा है कि बूढ़ना टूढ़ना होगा, मतलब सब चारों ओर घर तट तर उठ गया है जल, मतलब वीडियो करके मज़ा आ रहा है, कोई भी नहीं है ना, पूरा ट्रेन खाली है, सिर्फ विंडो सीट्स में ही बैठा है, अदरवाइज सब पूरा खाली है। और मेरा हाथ भाई कट गया है, ये देखो उठने के समय, मतलब छिल गया है थोड़ा सा, क्या ही बोलो, ऐसा डेंजरस काम और नहीं करूँगा कभी। तो ये ट्रेन बेसिकली कैनिंग तक जाएगा, ये विभूतिभूषण हॉल्ट, ये भी सब ट्रेन आके नहीं रुकता है, तो आप लोगों को ही देखता हो कि दौड़ के उठता है, ये भी से दोनों कैनिंग तक जाएगा, पर मैं ही तब दौड़ के उठा लाइफ में फर्स्ट टाइम। मेडिसिन वेडिसिन हो तो दे दो, बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, देखो कितना सुंदर से, और बाहर जो लग रहा है ना व्यू, क्या ही बोल, कौन का लोकल से आप जब जा रहे हो तो व्यू देखते देखते जो मज़ा आता है ना, बहुत ही दिल पर मेरे साथ थोड़ा सा ऊपर हो गया, हाथ चले गया उठने के समय, फिर ये चलन ट्रेन में कभी भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा डेंजर है, बहुत कभी भी नहीं, जो हुआ ना भाई बहुत ही जल रहा है। लाइफ का हर एक सिचुएशन से कुछ सीखना चाहिए,
लिए मैंने आज सीखा कि कभी मैं चलन फ्रेंड में नहीं उठूंगा, कोई भी उठना नहीं चाहिए। उसके साथ साथ ही 30 मिनट पहले आओ, जितना देर अनाउंस पे नहीं हो रहा है आप फ्रेंड नहीं पा रहे हो। मैं तो मैं आकर ही देखा कि छाट गया तो उठ गया था, पर मैं उस तरफ थोड़ा सा खड़ा था, उसके ऊपर ठीक है तो चलो अभी जाते हैं। अभी क्राउड होगा थोड़ा सा, मुझे लग रहा है होगा तो होगा ही क्राउड। देखो क्राउड तो है। करके जाता हूँ चलो, और बारिश होता है कि नेट फ्रेंड बहुत देर थमता है। तो स्टेशन से छोड़ा के इधर से जाना पड़ेगा, टोटो से भाई नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा ही दूर है, लेट तो हो गया पर अभी भी 5-10 मिनट बाकी है तो पूरी हट के ही जाऊँगा। चलो ज़्यादा दूर नहीं है, जल्दी से जाता हूँ। आज ना एक मैम का थ्योरी क्लास है तो चलो, मतलब एक दिन सर क्लास कराते हैं, एक दिन मैम मैंने सर का ही वाइफ, तो चलो एक दिन माइक्रोबायोलॉजी मैम कराते हैं, आज जो है क्लास। चलो पूरी पढ़ने टढ़ने आ रहा है, चले ही आया तो चलो मैं भी जल्दी से जाता हूँ, सुना है मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलो और मेरा दोस्त दोस्त भी नहीं जानता, चलो और मेरा कोई भी दोस्त नहीं जानता मैं ब्लॉग करता हूँ, तो बोलूँगा नहीं अदरवाइज नहीं कर पाऊँगा, 2-3 मंथ बाद बोल दूँगा। तो चलो पढ़ते हैं, जाकर कैसे पढ़ते हैं, मैम ने कहा बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो चलो आज पढ़ने ही आया, रही बात मतलब कॉलेज भी नहीं है तो चलो। तो पढ़ने तो चला आया, मैम उधर पढ़ रहा है और एक बैच, तो होपफुल इसके बाद हमारा बैच पढ़ाएगा, तो देखते हैं कैसे पढ़ते हैं मैम। तो चलो और हम मैम पढ़ रहे हैं तो चलो जा रहे हैं हम सब तो दोस्तों के साथ जाने का एक मजा ही अलग है। मैंने सुना कि 1:42 में है ट्रेन, तो जल्दी से जाता हूँ। चलो अभी 1:41 हो रहा, देखता हूँ उधर पता हूँ कि नहीं। वो फुली 5 से 10 मिनट तो रुकता है बाहर स्टेशन है ना, क्राउड नेक्स्ट से मिलता है। तो नेक्स्ट लेवल एक बज के 42 के समय, मतलब 2 बज रहे अभी, अभी इतना क्राउड है क्या ही बोलो। ओह माय गॉड, मतलब डरने का भी जगह नहीं था अंदर आ गया। क्राउड तो देखो भाई, अभी सब नमेगा हावड़ा टापड़ा, हावड़ा पे भी बहुत, और बारिश में मतलब 10 मिनट तक खड़ा था हमारे घर, मतलब हावड़ा पे भाई सबसे ज़्यादा नाम का है क्या है बोल। तो क्राउड तो नेक्स्ट लेवल है तो ये भाई हावड़ा, मैं पहले था अशोक नगोड़ा भी हावड़ा है, सब देखो नाम रहा है। और पूजा के समय है ना, दादा दादा सभी क्या बोलो बिजनेस करता है, उसके लिए इतना क्राउड होता है हर बार। उठेगा भाई देखो भाई, जैसे उठेगा कितना लोग, पापा फोन कर रहा था मेरे मोबाइल में भाई क्या बोलो, जो बैलेंस ही नहीं है भाई, कैसे उठ रहा है। ओह माय गॉड, बहुत ही भयानक। चलो
जैसे देखो कैसे उठा है। इस ट्रेन में भाई हर एक 2 मिनट में ट्रेन देना चाहिए, बट देता है 30 मिनट्स के बाद बाद भाई साहब। मतलब इतना भयानक क्राउड है भाई, क्या ही बोलो। ओ माय गॉड, इसमें क्या इंसान नरक का स्वाद पाओगे। मैं तो भाई अंदर आ गया, अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा भयानक क्राउड। ओ माय गॉड, मतलब इस समय दोपहर के समय इतना क्राउड तो कभी भी नहीं रहता। झगड़ा लग गया, तो वही भी झगड़ा लग गया लग रहा है ट्रेन में। और एक सीट तो भाग गया था, झाड़ू इतना जो है झमेला टमेला हो रहा है, मतलब क्या ही बोल। तो फर्स्ट में बोल रहा है कि बोनगा हो तो झमेला नहीं है, अगर समझे कैसा कर रहा है भाई। बोनगा ही सेफ हूँ सबसे लास्ट मतलब बोनगा लाइन डेंजरस और लाल गोला भी डेंजरस है। तो हर एक 2 मिनट में फुल एक एक ट्रेन देने पे ही ठीक होगा ये सब। मतलब इतना लोग या फिर सब बातचीत कर रहे हैं वही भी व्यापार में। तो आज भी एक चीज गलती कर रहा कि लास्ट बोगी में उठा, लास्ट में फास्ट में सबसे ज़्यादा क्राउड होता है, क्या करूँ उठ गया तो। माय गॉश, पूरी धीमे धीमे से क्राउड कम जाएगा, जैसे गोबरडांगा ठाकुरनगर सब आएगा तो उम्मीद करता हूँ। धीमे धीमे क्राउड देखो कम हो जा रहा है, क्योंकि हावड़ा उसके बाद अशोकनगर या फिर बारसात ये सब स्टेशन इतना क्राउड होता है क्या ही बोलूँ। तो चलो अभी थोड़ा सा धीमे धीमे से कम हो जा रहा है। ठाकुरनगर में बहुत सारे लोग नाम है, पूरी बॉन्गन स्टेशन नावने के पहले से क्राउड।
क्राउड देखो बाहर। नंबर तीन नंबर तीन बा चार है तीन तीन लास्ट स्टेशन तो भी इतना क्राउड है उठने का मतलब क्या ही बोलूं ऑफिस टाइम है ना लास्ट स्टेशन है तो भी देखो मतलब उठने का लिए सब आकर क्या कर रहे हैं मतलब क्या ही बोलूं उठने का लिए सब आकर आकर गेट जाम कर दे रहा है क्या ही बोलूं भाई जगह पाने के लिए माय गॉड तो भी नाम तो क्या पर इतना क्राउड है कि क्या ही बोलो और बाहर बारिश हो रहा है होपफुली जाते हैं चलो तो अभी चलो जाते हैं रेल पट्टी के ऊपर से क्राउड तो देखो माय गॉड जाना होपफुली मतलब क्या बोलूँ डेंजरस है तो भी यही एक रास्ता है अदरवाइज कोई भी ओवरब्रिज क्रॉस नहीं करेगा मैं सोच रहा हूँ कि एक जगह से खाऊंगा तो चलो देखते हैं खाता हूँ कि नहीं तो क्राउड तो भाई नेक्स्ट लेवल और अभी ना टोटो का इतना चाप होगा क्या ही बोलूँ अभी भाई इतना मिट्टी है तो मैं टोटो से नहीं धर के जाऊंगा कारण है कुछ दिन बाद ही तो दुर्गा पूजा शुरू हो जा रहा है कल या परसों से तो उसे निरामिष हो जाएगा तो इसलिए थोड़ा सा खा के जाता हूँ कुछ चलो अब इतना क्राउड है चलो भाई खाने का बहुत सारे शॉप ही है फ्राइड राइस चिली चिकन 50 रुपीज़ बासंती बोरा चिली चिकन 50 तो मैं सामने से खाऊंगा एक जगह चलो बहुत सारा शॉप ही है पर मुझे खाने का इच्छा था वो वाला शॉप तो चलो खा कर आते हैं शादे अल्लाह दे आई थिंक चलो होपफुली ऊपर है रेस्टोरेंट बैठने का जगह जाकर खाते हैं चलो तो मेरे मोबाइल में तो भाई रिचार्ज नहीं है तो होपफुली जाकर खा कर आते हैं तो हाँ वासुंदी बोला हाफ चिकन गोशा 50 रुपीज़ तो चलो देखते कैसा है।